तो दोस्तों ये रहा हमारे पास यहाँ पे Redmi 10 Prime 2022। और आज के वीडियो में हम जो है इस फोन का बॉर्डर टेस्ट करने वाले, देखने वाले कि ये जो फोन है हमारा बॉर्डर टेस्ट सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। तो ये रहा हमारे फोन का बॉक्स। सबसे पहले तो हम अपने फोन को जो है इस बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको मैं निकालता हूँ बाहर। इसमें सिर्फ हमको फोन ही चाहिए, तो इसको रखते हैं साइड में, इसको भी साइड में रखते हैं इधर को। और हमारा फोन रहा ये। इन सबको करते हैं साइड में, ऐसे ही रख देता हूँ, सीधा थोड़ा अच्छा लगेगा ना। हाँ, इसका कवर निकालता हूँ ऊपर से। ये रहा हमारा यहाँ फ़ोन जो अभी कम्प्लीटली बहुत बढ़िया वर्किंग कंडीशन के अंदर, मतलब ब्रांड न्यू का ब्रांड न्यू पड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब जो है इस फ़ोन का बॉर्डर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको रखता हूँ साइड में और यहाँ रखता हूँ एक बाउल जो यहाँ मेरे पास पड़ा है। ये रहा वो बाउल जिसके अंदर हम इसका बॉर्डर टेस्ट करने वाले हैं। तो अब डालते हैं फ़ोन को इसके अंदर। तो फ़ोन रख दिया मैंने अभी इसके अंदर। तो अब डालते हैं इसके ऊपर पानी, फिर साथ साथ यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देंगे। और लगभग मैं आज इसका सिर्फ 2 मिनट टाइमर मतलब 2 मिनट का बॉर्डर टेस्ट करने वाला हूँ। तो खैर पहला माइंड डाल लेते हैं, उसके बाद देख बताता हूँ आपको मैं, टाइम फालतू में क्यों बर्बाद करना। ये डाला मैंने यहाँ पे एक जग पानी इसके अंदर। और ये कैमरा ओपन हो गया उसका। और ये पानी एक जग और। हाँ, फिलहाल मैंने 2 जग पानी डाल दिया है इसके अंदर। मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं बताता हूँ जो है मैंने इस फ़ोन के ऊपर सिर्फ 2 मिनट टाइम में 2 मिनट का वॉटर टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जो ये फ़ोन है वो वाटर प्रूफ ऑब्वियसली नहीं, आप सबको पता है, मेरे को भी पता है इसलिए। लेकिन बाय चांस कभी हमारा फ़ोन कभी पानी के अंदर गिर जाए या किसी भी चीज़ मतलब किसी भी पानी के अंदर कहीं भी गिर जाए, मान नदी में गिर जाए या बाल्टी के अंदर गिर जाए या वैसे कहीं पानी के पानी इकट्ठा था उसके अंदर गिर जाए, तो हम लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर तो अपने फ़ोन को निकाल लेते हैं। तो उसके बाद ये फ़ोन जो है सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, उस 2 मिनट के अंदर अंदर निकालने के बाद भी सर्वाइव कर पाएगा नहीं, वो चीज़ चेक करने के लिए हम इसका वॉटर टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ तो शायद मैं थोड़ा लंबा टेस्ट कर लेता, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं, शायद मैं स्विमिंग पूल में पूछ जाता इसे लेके अगर वाटर प्रूफ होता तो, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है इसलिए सिंपल वॉटर टेस्ट कर रहे हैं कि बाई चांस हमारा फ़ोन कहीं पानी के अंदर गिर जाए या ऐसा कुछ हो जाए उसके बाद ये बच पाएगा कि नहीं, बस वो चेक करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा 50 सेकेंड यहाँ कम्प्लीट हो चुके हैं, लगभग 2 मिनट देकर इसका टेस्ट करेंगे। और तो यहाँ पे अभी हमारा टोटल 1 मिनट पूरे हो चुके हैं, बस 1 मिनट और फिर यहाँ पे हमारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये सर्वाइव कर जाएगी, नॉर्मली मेरे बाकी जो फ़ोन है वो सब ने सर्वाइव कर दिया है, तो ये भी कर देना चाहिए, बाकी पता नहीं, देखते हैं। पर बाय चांस आपका फ़ोन ऐसे कभी गिर जाए कहीं भी पानी के अंदर, उसको जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लीजिएगा। और बाय चांस नहीं निकाल पाया, कुछ ऐसा होगा गलती से गिर ही गया, तो उसके बाद उन चावल को डब्बे के अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि चावल जो है वो सारा पानी सोख लेते हैं, मतलब कि जो अगर फ़ोन के अंदर होगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट 24 घंटे के लिए अपने फ़ोन को जो है चावलों के डब्बे में डाल दीजिए, जिससे वो पानी जो है जो भी मॉइस्चर होगा पानी होगा फ़ोन के अंदर वो सारा सोख लेगा। तो फिलहाल यहाँ पर 1 मिनट 42 सेकेंड यहाँ कम्प्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पता नहीं क्या ओपन हुआ है, ये टचिस की अपने आप ही काम कर रही है, फ़ोन अभी ऑन है, आपको शायद डिस्प्ले में दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है मेरे को, बस टच नहीं काम कर रही है। तो लगभग 2 मिनट होने वाले हैं हमारे। यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो गया कंप्लीट, इसको कर देता हूँ बंद और अब इसको निकालता हूँ बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन अभी भी काम कर रहा है, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए काम कर रहा है। तो फिलहाल मैं पानी थोड़ा झाड़ देता हूँ इसका। अभी देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो यहाँ कुछ फर्क पड़ता नहीं लगा, टचिस काम कर रही है यहाँ पे, साइड हर जगह काम कर रही है ना, हाँ हर जगह काम कर रही है टच, और टच तो बढ़िया काम कर रही है। और यहाँ पे अगर मैं कैमरा ओपन करूँ तो कैमरा भी यहाँ सही काम कर रहा है, बैक कैमरा। तो अब फ्रंट कैमरा ऑन करके देखते हैं, फ्रंट कैमरा कहाँ से होगा, यहाँ से। तो ये फ्रंट कैमरा भी अभी हमारा यहाँ पर सही काम कर रहे हैं, आपको शायद दिख नहीं पाओ ढंग से, ब्राइटनेस कम है, ब्राइटनेस अगर मैं बढ़ाऊँ इसकी तो फुली है बस, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट कैमरा सही काम कर रहा है और यहाँ पे बैक कैमरा भी सही काम कर रहा है, दोनों कैमरा सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं है, ये टच भी सही काम कर रही है। बाय चांस अगर बाद में कोई दिक्कत आई तो मैं आपको बता दूंगा, वैसे मुझे लगता नहीं कोई इतनी जल्दी दिक्कत आने वाली है, ना ही फ़ोन में दिक्कत आती है इतनी ईजिली, इतनी जल्दी तो नहीं आती, लेकिन किसी किसी में आ जाती, कंडीशन भी डिपेंड कितनी गहराई पर गया है फ़ोन, तो यहाँ पर गहराई तो कुछ भी नहीं थी, इस वजह से ये बच गया, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाय चांस कई बार ज़्यादा ही गहराई में चल जाए फ़ोन तब दिक्कत, मतलब नदी उदी में तब आप निकालें, चाहे 1 मिनट के अंदर निकालें तब भी दिक्कत आ सकती है उसके अंदर, नॉर्मल पानी में इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। अब नॉर्मली जैसे पानी में गिर गया या पानी में भिगा दिया
तो उसे मतलब भिगाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पानी गिर गया इसके ऊपर ऐसे हल्का सा, लेकिन ये खुद पानी के अंदर गिर गया तो उसके बाद दिक्कत आ सकती है, लेकिन डिपेंड है कितनी देर तक रखा है या कितनी गहराई तक गया है वो, और कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी उस टाइम मतलब फ़ोन की। अगर फ़ोन मतलब पहले कभी ना गिरा हो तो मतलब कई बार गिर जाता है ना फ़ोन, तो कई बार गैप्स आ जाते हैं, इस वजह से वहाँ से भी पानी वाला जा सकता है। लेकिन नॉर्मली अभी ये फ़ोन जो है एकदम ब्रांड न्यू पड़ा है, कहीं गिरा नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। मैंने फ़ोन से आपके सामने निकाला, बस एक बार अनबॉक्सिंग करी थी तब निकाला था, और एक बार अब निकाल रहा हूँ बस, उसके अलावा मैंने इस फ़ोन को बाहर नहीं निकाला है। तो आप जान सकते हैं बिल्कुल नया फ़ोन है, मतलब कहीं से गैप नहीं है, तो इस वजह से इसमें नॉर्मली तो पानी नहीं जाएगा। और आपका फ़ोन भी है, बाई चांस गिर जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर उसको निकाल लिया अगर आपने तो आपका फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर आप पानी गिर जाए तो उसको चावलों के डब्बे डाल के रख दिए, चावल स्विच ऑफ करने के बाद, स्विच ऑफ सबसे पहले तो स्विच ऑफ करिए, उसको चावल के अंदर डालिए और बस 24 घंटे ही रख दीजिए, तो 24 घंटे बाद ही उसको दोबारा निकालिएगा ताकि उसका पानी लगभग सूख जाए। मिनिमम 24 घंटे से ज़्यादा आप रहना चाहें रख सकते हैं, मिनिमम 24 घंटे रखिएगा, जिससे जो है चावल उसका पानी जो है सारे का सारा सोख लेंगे। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस कोई दिक्कत आई भी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फिर अपने कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।